अस्सलाम वालेकुम। दुआ करती हूँ कि मेरे सारे व्यूवर्स अपने अपने घरों में खैरियत से रहें। तो आज हम बनाने जा रहे हैं झटपट सी मज़ेदार चावलों की खीर, साथ में गरम गरम पूरियाँ। तो इसके लिए हम लेंगे 1 लीटर दूध, साथ में लेंगे हम 1/4 कप चावल। बासमती टुकड़ा लें, आप नॉर्मल बासमती लें। इसे इस तरह भिगो के रखना है तकरीबन 2 घंटा, ताकि एकदम सॉफ्ट हो जाए इस तरह और दूध में आसानी से गल जाए। लेंगे हम शक्कर, जो कि 1/2 कप आपके हिसाब से लें। ड्राई फ्रूट अपनी पसंद के आप इस्तेमाल करें। साथ में लेंगे इलायची 1 चम्मच। लेंगे हम केसर। उसके बाद मिलाना है हमें पूरियों का आटा, तो बोल ले लें। उसमें डालेंगे हम 1 कप मैदा, इसे छान लें अच्छे से। उसके बाद चुटकी भर नमक डाल देंगे हम इसके अंदर और दूध का इस्तेमाल करेंगे इसे गूंदने में। थोड़ा थोड़ा दूध डाल के आप धीरे धीरे इसे गूंद लें, ज़्यादा पतला ना करें इसे। देखिए इस तरह आपने धीरे धीरे दूध डाल के गूंद लेना है। देखिए हमारा इस तरह का डो तैयार हो जाएगा, हमारी पूरियाँ भी बड़ी सॉफ्ट हो जाएगी। इसे रेस्ट के लिए रख लेंगे 10 से 15 मिनट। अच्छा, एक मिक्सी जार में हमने इलायची को इस तरह ग्राइंड कर लिया है थोड़ा मोटा, और उसी जार में हमने ये भिगे हुए चावलों को ग्राइंड करना है। तो चावल पहले डाल दें इसके अंदर अच्छे से, थोड़ा सा पानी भी इस्तेमाल करें। साथ में डालना है हमें काजू और थोड़े से बादाम, आप चाहे तो कट करके भी डालें या साबित डाल दें। हमें इसे दरदरा पेस्ट बनाना है, एकदम बारीक बिल्कुल भी नहीं करना है। यहाँ पर दूध हमारा उबल चुका है, मलाई को दूध में अच्छे से मिक्स कर लें और चम्मच से इस तरह चलाते रहें। ध्यान रखें जब दूध बॉईल हो रहा है तो आप स्पून से खीर को अच्छे से मिलाते रहें। अच्छा, नेक्स्ट हमने डालना है इसके अंदर पेस्ट, जो कि है चावलों का पेस्ट, हमने बना के रखा था। धीरे धीरे डालें और आँच को थोड़ा स्लो करते डालते वक्त। तो मिक्स करते हैं हम खीर को, और ध्यान रहे जो हमने चावल डाले इसके अंदर उसके बिल्कुल लम्स नहीं होने चाहिए, बिल्कुल स्मूथ हो जाना चाहिए दूध में जाते ही। देखिए साइड में जितनी भी मलाई है उसे भी हमने इसमें डाल दी है चम्मच से हला के। अब डालेंगे हम इसके अंदर चारोली। अच्छा, चारोली जब दूध में जाती है पहले डाल देते हैं हम चारोली, वो थोड़ी सॉफ्ट हो जाती है। अगर हम बाद में चारोली डालेंगे तो चारोली बिल्कुल हार्ड रहेगी, इसे ध्यान रहे पहले चारोली को डाल दें। साथ ही डाल देंगे कटे हुए थोड़े से बादाम, और थोड़े बादाम हम गार्निशिंग के लिए अलग से उठा के रख देंगे। तो चलो खीर को चला लेते हैं। इस तरह आप देख रहे हैं खीर की कंसिस्टेंसी गाढ़ी होती जा रही है। तकरीबन 15 मिनट तक इसे अच्छे से पका लें आप। फिर डालेंगे 15 मिनट के बाद शक्कर अपने टेस्ट के हिसाब से, और साथ में डाल देंगे इलायची पाउडर। इसे आप अच्छे से मिक्स कर लें और तकरीबन 10 से 15 मिनट तक और मीडियम फ्लेम में पका लें। आपको किस तरह की खीर चाहिए आप खुद डिसाइड करें, गाढ़ी या पतली। तो चलें पूरियों को फ्राई करेंगे। आप चाहे तो घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं पूरी को फ्राई करने, या ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देख रहे हैं कितनी गर्मा गर्म नरम नरम फुली फुली पूरी तैयार हो रही है। आप आटे को ज़रूर से रेस्ट करें, जब भी आप पूरियों का आटा गूंदेंगे तो इस तरह की पूरी आपकी तैयार हो जाएगी, एकदम फ्लफी पूरियाँ। दूसरी तरफ हमारी खीर भी एकदम गाढ़ी हो रही है, 15 मिनट हो चुके हैं। तो चलिए डिश आउट करते हैं खीर को और खाएंगे गर्मा गर्म पूरियों के साथ में। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो मिलती हूँ अगली वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।